यूपीएससी परीक्षा में महाराष्ट्र के ठाणे जिले की रहने वाली भावना यादव ने राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल की है। आपको बता दें कि यूपीएससी पास करने वाली भावना यादव महाराष्ट्र से अकेली है। भावना 2015 से सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रही थी। भावना से बात की एमकेएन संवाददाता ने। खबर ठाणे से सटे मीरा भाईंदर से। यहाँ 28 वर्षीय भावना यादव ने मीरा भाईंदर का नाम ऊंचाइयों पर लाया है। आपको बता दें यूपीएससी की तैयारी में भावना ने 14वां स्थान लिया है, जबकि महिला वर्ग में वह पहले स्थान पे आई है। विशेष बातों में भावना ने हम अपनी सारी जानकारी साझा की एमकेएन न्यूज के साथ। आइए दिखाते हैं। हुआ है सेंट्रल आर्म पुलिस सर्विस का। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा लॉन्ग जंप में रह गया था और तैयारी ऐसे कि मैंने सिविल सर्विस 2014-15 से स्टार्ट किया था, तो तब से मेरा अच्छा होल्ड था स्टडी के ऊपर, तो इसके लिए मैं इजीली कर पाई और पेरेंट्स का सपोर्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला। मेरे फ्रेंड्स, मेंटर्स, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, इसलिए मुझे ये सक्सेस मिला है। और बाकी जो अगर मैं मैसेज अगर देना चाहूंगी तो पेरेंट्स को यही मैसेज रहेगा कि आप प्रेशराइज मत करो रिजल्ट के लिए आपके बच्चों को। बी एड लड़की रहे या लड़का रहे, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। और बच्चों के लिए ये दूंगी कि आप कॉन्फिडेंस रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो और जस्ट गिव योर बेस्ट, पूरा 100% दे दो और हार्डवर्क हमेशा करो, रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा।